अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। आज हम महक किचन मतलब हमारी रेसिपी बना रहे एकदम हमारे तरीके से खीमा अंडा पार्सल। ये हमने 300 ग्राम मैदा लिए हैं, 4 अंडे को उबाल के लिए हैं, 2 प्याज बड़े बड़े प्याज को चॉप करके लिए हैं, 1/2 किलो खीमा लिए हैं, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, स्वाद अनुसार हरी मिर्ची कूट के लिए है, 1 नींबू का रस है, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून लेंगे। अभी मसाले का बता, गरम मसाला पाउडर जाएगा 1/2 टेबल स्पून, चिली फ्लेक्स जाएगा 1/2 टेबल स्पून, भुना कुटा धनिया जाएगा 1/2 टेबल स्पून, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप ले लीजिएगा, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जाएगी 1 टेबल स्पून, और यहाँ पर भुना कुटा जीरा जाएगा 1/2 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर जाएगी 1/2 टीस्पून। अब इसको बनाने का तरीका बताएंगे, तो सबसे पहले जो है आटा गूंद के लेंगे। अभी 1 टीस्पून हमने बेकिंग पाउडर डाल दिए, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, थोड़ा सा तेल डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। ये देखो आटे को ऐसा मसलने का कि एक मुट्ठी में आटा आ जाए, ऐसा मसलने का। अभी गुनगुना पानी लिए हैं, जैसा पानी लगेगा वैसा डाल के अच्छे से आटे को गुनेंगे, बताएंगे फिर कितना पानी लगा। आटा गुन के हो गया, अभी इसको ऐसा आटा गुनने का, अभी इसको साइड में रखेंगे। 1 टेबल स्पून तेल डाल दिए, इसमें भी प्याज डालेंगे, प्याज के साथ नमक डालेंगे, प्याज को नरम करेंगे, थोड़ा गुलाबी कलर करेंगे, फिलिप नरम में थोड़ा गुलाबी कलर करेंगे। प्याज का कलर बदली हो गया, अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून, अभी अदरक लहसुन ऐसा भुनेंगे उसका कच्चापन चले जाने तक भुनेंगे। हरी मिर्ची डाल दिए, अभी इसमें खीमा डाल के अच्छे से खीमे को भुनेंगे, उसके बाद मसाले डालेंगे। अभी इसी में सब मसाले डालेंगे, तीखा आप अपने हिसाब से ले लो, देखिए तीखा अच्छा लगता है। अभी मसाले को अच्छे से भुनेंगे, खीमे को अच्छे से भुने हैं। अभी इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको पकाने के लिए सूखने तक 20 मिनट के लिए छोड़ेंगे। स्लो गैस पे 20 मिनट रखेंगे इसको। खीमे का पानी सूख गया अच्छे से, अभी इसमें नींबू का रस डालेंगे, 2 मिनट पका के बंद कर देंगे। एकदम इजी रेसिपी, टेस्टी रेसिपी बन के रेडी है। अभी गैस का ये बंद कर दें। अंडे को ऐसा गोल गोल कट करने का, अभी देखो आटा अच्छे से हो गया। अभी इसको चौकन जैसा वही करेंगे, बेलेंगे, एक पेड़ा बना के चौकन जैसा बेलेंगे। भी बोलेंगे तो भी चलेगा इसको। अभी सूखा आटा लगा दिया, फास्ट में कर लिया। ये देखो ये चौकन रोटी बनाई। अब आगे देखो बीच में से काटेंगे इसको, अभी देखो हमने बीच में से काटे, अभी खीमा भर रहे, देखो कैसा बना रहे, ऐसा बना हम घर में बना के खाते, बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा और बहुत इजी होता है। ये देखो खीमा डाले, उसके ऊपर अंडा डाल दिए, फिर खीमा डाले, फिर इसके ऊपर अंडा डालेंगे।
ये रमजान स्पेशल है, फिर भी आप टिफिन में बच्चों लोग के आदमी लोग के टिफिन में दे सकते हैं आप, इससे पेट भी भर जाएगा फटाफट। ये इसके ऊपर डालेंगे, एकदम पतला नहीं गुनने का, पतला बनाने का नहीं, थोड़ा मोटा बनाने का। अब इसके तीन हिस्से करेंगे, अभी देखो इसके ऊपर हम लोग ने बीच में से दो चिपका दिए, नहीं कहा नहीं तो फट जाएगा, अच्छे से चिपका दिए। अभी साइड का काट डालें, इधर भी साइड काट डालें, एक साथ तीन पार्सल देखे, आजू बाजू का काट डालने का तो चौकन बन जाता, देखो देखिए ऐसा बनाने का, चिपकाने का अच्छे से खुले में, ऐसा सब बनाएंगे फिर बताएंगे। तेल गरम करने का और फास्ट गैस पे नहीं, मीडियम गैस पे इसको फ्राई करने का, गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करने का। अभी इसको पलटेंगे, 2 मिनट एक तरफ से, 2 मिनट एक तरफ से, ऐसा करके गोल्डन ब्राउन इसको फ्राई करने का। ये देखो हमने चिपकाने के लिए कुछ भी नहीं डाले, पानी भी नहीं और कुछ भी नहीं, आटा वाटा कुछ भी चिपकाने के लिए नहीं, हाथ से खाली दबा के चिपकाए, चिपक गया अच्छे से, देखो कितना अच्छे से हो गया। अभी हम इसको निकाल के डिश आउट कर, देखो हमने ये बनाए हैं, इसमें आप चीज डाल के भी बना सकते हैं, बिना चीज का भी बना सकते हैं। चीज डालेंगे तो जरा बच्चे भी खुश हो जाएंगे, बड़े को भी अच्छा लगेगा। ये पार्सल फ्राई अच्छे से हो गया, अभी इसको तोड़ के बताएंगे आपको, बहुत गर्म है देखे, एकदम टेस्टी बनाने का, टेस्टी खाने का, बच्चे लोगों को खिलाने का। देखो हमने कीमा अंडा चीज पार्सल बनाए, एकदम टेस्टी बनाए, ऐसा तुम भी बनाओ। ये महक किचन की रेसिपी है, घर की रेसिपी है, ऐसे तुम भी बनाओ। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल बजाओ, तो मेरी रोज की अलग अलग नई नई रेसिपी आपको देखने को मिलेगी। प्लीज़ प्लीज़ अल्लाह हाफिज़।